हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एमजी इंफोसॉफ्ट एंड एमजी मोशन पिक्चर्स। इस लेसन में हम एनजी इफ एंड एनजी स्विच डायरेक्टिव्स के बारे में जानेंगे। एनजी इफ डायरेक्टिव से हमारा डॉम स्ट्रक्चर मॉडिफाई होता है, इसलिए एनजी इफ स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है। कोई भी स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के आगे स्टार साइन होता है। एनजी इफ के थ्रू हम कंडीशनली कोई एलिमेंट को डॉम स्ट्रक्चर के अंदर एड या रिमूव कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर एनजी इफ डायरेक्टिव में हम फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो ये एलिमेंट रेंडर नहीं होगा, मींस नेवर डिस्प्लेड। एनजी इफ में हम कंडीशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एलिमेंट रेंडर होगा, कंडीशन फॉल्स है तो ये एलिमेंट रेंडर नहीं होगा। डिस्प्लेड इफ ए इज मोर देन बी। एनजी इफ के अंदर हम स्ट्रिंग को भी कंपेयर करा सकते हैं। एनजी इफ के अंदर हम जो भी कंडीशन लिखते हैं वो डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, इसलिए स्ट्रिंग को कोई स्ट्रिंग वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं तो वो वैल्यू सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एलिमेंट रेंडर होगा। डिस्प्लेड इफ str इज द स्ट्रिंग ऑफ यस। एनजी इफ में हम फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। अगर ये फंक्शन रिटर्न ट्रू करता है तो एलिमेंट रेंडर होगा, रिटर्न फॉल्स करता है तो एलिमेंट रेंडर नहीं होगा। Displayed if my function return truthy। इतना प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक कॉम्पोनेंट क्रिएट करते हैं एनजी जी सी। कॉम्पोनेंट का नाम रखते हैं एनजी इफ डैश एग्जाम्पल। एंटर। कॉम्पोनेंट क्रिएट हो गया है। src app एनजी इफ एग्जाम्पल, एनजी इफ एग्जाम्पल कॉम्पोनेंट ts। इसके अंदर एक डेटा मेंबर लेते हैं इज एक्टिव कॉलन, डेटा टाइप लेते हैं बुलियन इज इक्वल टू ट्रू। अब HTML में एनजी इफ यूज करते हैं, तो एनजी इफ एग्जाम्पल HTML, हेडिंग चेंज कर देते हैं H1 टैग स्टार एनजी इफ एग्जाम्पल कॉम्पोनेंट। एक डिवीजन टैग लेते हैं, डिवीजन टैग के अंदर कंडीशन टेस्ट करते हैं स्टार एनजी इफ इज इक्वल टू, डेटा मेंबर का नाम है इज एक्टिव। अगर इज एक्टिव की वैल्यू ट्रू है तो ये डिवीजन टैग रेंडर होगा। डिवीजन में मैसेज देते हैं यस एक्टिव। अब इसको ऐप कंपोनेंट में लोड करते हैं। ऐप कंपोनेंट HTML, राउटर आउटलेट के नीचे एक HR टैग ऐप डैश एनजी इफ डैश एग्जाम्पल। फाइल सेव ऑल एनजी सर्व डैश डैश ओपन। एंटर। प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आउटपुट देखते हैं एनजी इफ एग्जाम्पल कॉम्पोनेंट यस एक्टिव। अब एनजी इफ के साथ कंडीशन यूज करते हैं। इसके लिए कॉम्पोनेंट में दो वेरिएबल लेते हैं ए कॉलोन नंबर इज इक्वल टू 10, बी कॉलोन नंबर इज इक्वल टू 5। HTML br टैग div, div के अंदर मैसेज देते हैं a इज ग्रेटर स्टार एनजी इफ इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर कंडीशन a ग्रेटर देन b। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो डिवीजन टैग रेंडर होगा। फाइल सेव ऑल आउटपुट a इज ग्रेटर। अब स्ट्रिंग के साथ कंडीशन टेस्ट करते हैं। कंपोनेंट के अंदर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं str colon string इज इक्वल टू mg। html br टैग एक और div मैसेज देते हैं यस str इज द स्ट्रिंग ऑफ mg स्टार ng if इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर str इज इक्वल इक्वल सिंगल कोटेशन के अंदर mg। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये डिवीजन रेंडर होगा। फाइल सेव ऑल एंड आउटपुट यस str इज द स्ट्रिंग ऑफ mg। अब ng इफ को फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। कंपोनेंट, कंपोनेंट में एक फंक्शन क्रिएट करते हैं my function कॉलन करके रिटर्न टाइप बुलियन।
यहां से मैं रिटर्न करा देता हूं रिटर्न ट्रू HTML br टैग, एक और डिवीजन लेते हैं माय फंक्शन रिटर्न ट्रू, डिवीजन के अंदर स्टार ng if इज इक्वल टू, फंक्शन को कॉल कराते हैं माय फंक्शन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, फाइल सेव ऑल माय फंक्शन रिटर्न ट्रू। अब एक एग्जांपल देखते हैं, एक मेन डिवीजन ब्लॉक है उसके अंदर तीन डिवीजन ब्लॉक है, फर्स्ट डिवीजन के अंदर वेरिएबल का कंपैरिजन किया है ए के साथ, अगर कंडीशन ट्रू है तो मैसेज आएगा वेरिएबल इज ए, अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो मैसेज आएगा वेरिएबल इज बी, अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो थर्ड डिवीजन के अंदर कंपेयर किया है नॉट इक्वल्स टू ए एंड नॉट इक्वल्स टू बी, तो मैसेज आएगा वेरिएबल इज समथिंग एल्स। सिंपल है, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कंपोनेंट में एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सपोज माय वेर कॉलन डेटा टाइप स्ट्रिंग इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन या तो डबल कोटेशन ए, HTML br टैग, एक div एलिमेंट लेते हैं, इस div एलिमेंट के अंदर div कंडीशन स्टार ng if इज इक्वल टू माय वेरिएबल इज इक्वल इक्वल सिंगल कोटेशन के अंदर a, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैसेज दे देते हैं वेरिएबल इज a, सेकंड div स्टार ng if इज इक्वल टू माय वेरिएबल इज इक्वल इक्वल सिंगल कोटेशन में b, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वेरिएबल इज b, दोनों कंडीशन फॉल्स है उसके लिए भी सेट करते हैं div स्टार ng if इज इक्वल टू माई वेरिएबल नॉट इक्वल्स टू ए एंड, दोनों कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए इसलिए एंड माई वेरिएबल नॉट इक्वल्स टू बी, अगर नॉट इक्वल्स टू वाली दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो इसमें मैसेज देते हैं वेरिएबल इज अदर देन ए एंड बी, फाइल सेव ऑल आउटपुट वेरिएबल इज ए, चेंज करते हैं बी, फाइल सेव ऑल आउटपुट वेरिएबल इज बी, सी फाइल सेव ऑल आउटपुट वेरिएबल इज अदर देन ए एंड बी। अब वेरिएबल के अंदर सी को भी कंपेयर करना है तो HTML एक और div एलिमेंट ऐड करेंगे div स्टार ng if इज इक्वल टू माई वेरिएबल इज इक्वल इक्वल सिंगल कोटेशन में c, देन वेरिएबल इज c, यहां पे इक्वालिटी के लिए एक कंडीशन ऐड हुई तो नॉट इक्वल के लिए भी यहां पे चेंजेस करना पड़ेगा एंड माई वेरिएबल नॉट इक्वल्स टू c, मैसेज भी चेंज करते हैं वेरिएबल इज अदर देन a b एंड c, फाइल सेव ऑल आउटपुट, यहां पे जितनी कंडीशन इक्वालिटी के लिए ऐड करेंगे उतनी कंडीशन नॉट इक्वल टू के लिए भी ऐड करनी पड़ेगी, तो इस टाइप का लॉजिक इजी हो जाता है एनजी स्विच डायरेक्टिव से। तो देखते हैं एनजी स्विच डायरेक्टिव्स, एनजी स्विच डायरेक्टिव्स एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव किसको कहते हैं, जिस डायरेक्टिव के थ्रू हमारे एलिमेंट का लुक एंड फील चेंज होता हो या तो एलिमेंट का बिहेवियर चेंज होता हो, ऐसी डायरेक्टिव्स को हम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव कहते हैं। तो एनजी स्विच डायरेक्टिव के थ्रू एलिमेंट का बिहेवियर चेंज होता है इसलिए एनजी स्विच डायरेक्टिव एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है। एनजी स्विच डायरेक्टिव को एलिमेंट के साथ एट्रीब्यूट के तरीके से यूज किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। एनजी स्विच डायरेक्टिव के साथ एनजी स्विच केस डायरेक्टिव का भी यूज होता है, एनजी स्विच केस डायरेक्टिव से डॉम स्ट्रक्चर मॉडिफाई होता है इसलिए एनजी स्विच केस डायरेक्टिव स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है। उसके साथ एनजी स्विच डिफॉल्ट डायरेक्टिव भी यूज होती है, एनजी स्विच डिफॉल्ट से भी डॉम स्ट्रक्चर मॉडिफाई होता है इसलिए एनजी स्विच डिफॉल्ट भी स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है। एग्जांपल देखते हैं, यहां पे एक मेन एलिमेंट डिव है, मेन एलिमेंट के साथ एट्रीब्यूट डायरेक्टिव एनजी स्विच यूज किया है, जो भी वेरिएबल को चेक करना है
वो वेरिएबल उसको हम असाइन करते हैं। इस वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से ये जो मेन डिव एलिमेंट है उसका बिहेवियर चेंज होता है। उसके अंदर एनजी स्विच केस, अगर केस ये मैच होता है तो ये डिवीजन रेंडर होगा, अगर सेकंड केस मैच होता है तो सेकंड डिवीजन रेंडर होगा, कोई भी केस मैच नहीं होता है तो ये स्विच डिफॉल्ट वाला एलिमेंट रेंडर होगा। इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं। वेरिएबल तो ऑलरेडी है br टैग, एक मेन डिव एलिमेंट, मेन डिव एलिमेंट के साथ ng स्विच यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ng स्विच इज इक्वल टू जो भी वेरिएबल को कंपेयर करना है उस वेरिएबल का नाम my where, my वेरिएबल की वैल्यू की जितनी पॉसिबिलिटी है इतने स्विच केस डायरेक्टिव यूज करेंगे, div एलिमेंट स्टार ng स्विच केस, ng स्विच केस इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करना है a, तो सिंगल कोटेशन a, ये केस मैच होता है तो मैसेज दे देते हैं वेरिएबल इज ए, सेकंड केस डिवीजन वेरिएबल इज बी स्टार एनजी स्विच केस इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर बी, थर्ड केस डिवीजन स्टार एनजी स्विच केस इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर सी, वेरिएबल इज सी। अगर इसमें से कोई भी केस मैच नहीं होता है तो लास्ट में स्टार ng स्विच डिफॉल्ट मैसेज देते हैं नो एनी केस मैच, फाइल सेव ऑल, वेरिएबल इज सी। अब इसमें d को भी कंपेयर करना है तो पहले ng if में करते हैं, तो ng if में एक और div एलिमेंट लेते हैं स्टार ng if इज इक्वल टू my where is equal equal सिंगल कोटेशन में d, तो मैसेज देते हैं वेरिएबल इज d। जैसे ही यहां पे एक इक्वालिटी की कंडीशन ऐड करी तो नॉट इक्वल के लिए भी यहां पे कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी, एंड एंड my वेरिएबल नॉट इक्वल्स टू d, देन मैसेज में चेंज करते हैं वेरिएबल इज अदर देन a b c एंड d। सेम वे ng स्विच में भी एक एलिमेंट ऐड करते हैं, div स्टार ng स्विच केस इज इक्वल टू डबल कोटेशन इसके अंदर सिंगल कोटेशन एंड d, वेरिएबल इज d। नॉट इक्वल के लिए यहां पे कोई कंडीशन ऐड नहीं करनी है, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है तो ng स्विच डिफॉल्ट का एलिमेंट रेंडर हो जाता है। कंपोनेंट में वैल्यू को चेंज करते हैं d, फाइल सेव ऑल, आउटपुट। यहां पे एक क्वेश्चन है, क्या एक ही केस को मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हैं? ज्यादातर लोग समझते हैं नहीं लिख सकते, लेकिन लिख सकते हैं। टेस्ट करते हैं, एक और एलिमेंट लेता हूं स्टार एनजी स्विच केस इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर बी, मैसेज देते हैं वेरिएबल इज बी सेकंड टाइम, वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं कंपोनेंट में, माय वेरिएबल इज इक्वल टू बी, फाइल सेव ऑल, वेरिएबल इज बी सेकंड टाइम। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा टॉपिक है, आगे आने वाले लेसन में एंड जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें एनजी इफ एंड एनजी स्विच की जरूरत पड़ेगी, तो इसको समझ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नए कॉन्सेप्ट के साथ।